हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्नेहा सीरीज फैमिली। आई होप कि आप सब सेफ होंगे, खुश होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और अगर चैनल में कोई नए हैं और मेरा ब्लॉग देखते हैं और फिर भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, उसके बाद ऑल को सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आज का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है उसमें मेरे हस्बैंड ने आलू का एक रेसिपी शेयर किए हैं, तो एक डिश बनाया है वो यूट्यूब से देख के, मतलब छोटू हेल्प किए हैं उनको, छोटू और वो दोनों भाई मतलब मिलकर बनाए हैं, तो उसमें मैं कुछ भी हेल्प नहीं की थी उस दिन, तो दोनों भाई मिलकर बनाए थे उसको। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको खाना बनाने का शौक होता है, जैसे छोटू हैं तो उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, सो वो बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाते ही रहते हैं, और पनीर का हो या कुछ मीठा चीज या कुछ भी, उनको बहुत अच्छा लगता है सब्जी बनाना। जैसे नाश्ता आइटम में बहुत सारा चीज रहता है तो वो सब छोटू बनाते हैं, उनको शौक है। मेरे मझले चाचा और छोटे चाचा भी को भी बहुत ही शौक है खाना बनाने का, तो ऐसे ही कोई कोई रहते हैं जिनको कि खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, पर मेरे जो हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल भी खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, तो वो बनाए हैं आलू। और इससे पहले एक बार और वो बनाए थे एक चीज जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, जैसे एक बार पिज्जा बनाए थे, रेडीमेड ले आए थे बाहर से खरीद के और उसको बनाए थे, तो प्लीज इतना मेहनत करके बनाए हैं, तो प्लीज अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्वागत है आप सबका स्नेहा सीरीज फैमिली ब्लॉग में। तो आज छुट्टी का दिन है तो सोच रहे हैं यार कुछ नया ट्राई किया जाए, तो आज हम बनाने वाले हैं भाई स्मोकी आलू दम, पहली बार बनाने वाले, चलो देखते हैं। तो आलू दम का रेसिपी तो देखे थे यार अपन, है ना, आज तो सोचे उसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर डाल दें, अलग ही उसमें फिर टेस्ट आ जाएगा, एक अलग ही डिलीशियसनेस आ जाएगा उसमें, तो चलो ट्राई करते हैं आज स्मोकी फ्लेवर वाला आलू दम बनाने के लिए अपने को आलू की तो ज़रूरत पड़ेगी, अब साथ में अपन मैरिनेट करेंगे उसको पहले, तो मैरिनेट करने के लिए दही और साथ में कुछ अपने को लेना है गरम मसाले, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये नमक, ये हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है ये, हमें इसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, जैसे बीपी वीपी के प्रॉब्लम नहीं होते इसमें, तो अपन सेंधा नमक यूज़ करते हैं। तो चलो चालू करते हैं भाई काम को जल्दी, भूख भी लगी है। अपन आलू को ले लेते हैं भाई, अपने को प्रॉपर आलू दम वाला आलू तो मिला नहीं, तो अपन नॉर्मल आलू उसी में बना लेते हैं, आलू तो आलू है, दम तो लगाएगा ही। चलो ये आलू ले लिए, तो भाई ये अपन दही ले लिए लगभग एक आधा कटोरी, है ना, आलू के ऊपर डाल देते हैं, इसको अपन मिला देते हैं भाई अब इसमें। अब अपन सरसों का तेल ले लेते हैं भाई इसमें, है ना, इसको क्या थोड़ी से अपन तड़का मार के इसमें डालेंगे, सरसों का तेल ले लिए भाई, अब इसको अपन फुल गरम कर लेंगे, इससे धुआं उड़ गया पूरा, धुआं उड़ गया, अब इसको अपन थोड़ा तेल ठंडा हो जाए तो फिर इसको हाथों से मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है यार, जैसे कि मतलब इसमें सब कोटिंग चढ़ जाए इसकी, अच्छे से मिक्स करना, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो इसको हाथ से मिक्स कीजिएगा, क्या चम्मच से उबला हुआ आलू कट जाएगा यार, और हाथ से मिक्स करने में आपको आसानी भी जाएगा। तो यार मैरिनेट तो कर लिया हमने, तो इसमें ना क्या जिंजर गार्लिक का पेस्ट देना चाहिए, लेकिन अपन उस पोर्शन को स्किप कर रहे हैं, और ये हम क्या जिंजर गार्लिक को चॉप किए हैं, और भाई आप सोच रहे हो कि क्या कर रहे हैं, अब अपने को स्मोकी फ्लेवर देना है, तो हम ये हम दालचीनी लिए हैं भाई, इसको थोड़ा अपन पूरा जला देंगे, तो क्या इसको एक कटोरी में लेके हम स्मोकी फ्लेवर देंगे बस।
अब इसके ऊपर भाई अपन थोड़ा सा घी डाल देते हैं, खट्टा डाल देते हैं। अब इसके अंदर आ जाएगा स्मोकी फ्लेवर। अब इसको अपन थोड़ी देर छोड़ देंगे, कम आधा घंटा छोड़ देंगे। गैस में कढ़ाई ये बैठा दिए हैं गर्म करने के लिए। अब अपन आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे। यहाँ पर मैं बटर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो घी और तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 3 चम्मच के करीब अपन तेल ले लेंगे। अब खड़ा मसाला लेंगे, इसमें हम लिए भाई तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, सरसों। अब इसको थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसमें डाल देते हैं इसको थोड़ा सा। और हमेशा ध्यान रखेंगे इसको शायद कम आँच पे, धीमी आँच पे चलाना है। जल जाएगा जल्दी, नहीं तो अगर जल गया तो मैं फिर रखना तो कल इसका स्वाद तो आना पड़ सकता, नहीं आ पाया। तो आप देख रहे हैं भाई अपना अभी खड़े मसाले पक रहे हैं। अब तक आपको हम लोग दिखाते हैं कि जो हम मैरिनेट करने के लिए रखे थे, वाह खोलते ही स्मोकी फ्लेवर, वाह वाह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक जो हम चॉप करके रखे थे, अदरक लहसुन उसको डाल देते हैं, खुशबू ही अलग है। इसका चम्मच मिर्च डाल देंगे भाई इसमें। आप ये देख सकते हैं कि हमारा अदरक लहसुन और खड़े मसाले सब अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे भाई प्याज को हम पेस्ट बना के रखे थे, उसको डाल देंगे। और हम इसमें डालने जा रहे हैं भाई टमाटर का पेस्ट, ये देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिया। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो जब तक मसाला हमारा पक रहा है तब तक हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर को कर लेते हैं, अपना मैरिनेट किए हुए आलू को। अब ये वही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर इसका, हम इसको थोड़ी थोड़ी आँच दिखा देंगे। मसाला अभी रेडी होने में थोड़ा समय है क्योंकि अभी इसमें तेल नहीं छोड़ा है। हाय बंदो, अब इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ अपना जो बचा हुआ था उसको उसमें मिला दिया और इसको चलाते रहना है, है ना, सब छोड़ना नहीं है, चलाते रहना। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लीजिएगा। 6 चम्मच के आसपास हम छोटे चम्मच में चीनी मिला देते हैं, तो उसमें क्या अपना जो स्वाद है ना ये बैलेंस हो जाएंगे इसमें। ये अब हम इसमें अपने आलू डाल देते हैं, ताकि आप इसमें मलाई क्रीम कुछ भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई मिला देंगे। ग्रेवी का थिकनेस देखो और ग्रेवी का कलर देखो, बाकी खुशबू तो ग्रेवी की मैं ही फील कर सकता हूँ, आप भी जब बनाएंगे आप भी फील करेंगे कि वाकई बहुत अच्छी खुशबू है। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। तो आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।